कुंभ राशि, जीवन की कली महकने लगेगी, सारे दुख दर्द खत्म होंगे। जानते हैं 8 नवंबर का कुंभ राशि पल कैसा रहेगा विस्तार से। दोस्तों, ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में हर एक बात विस्तार से बताने वाले हैं। आपकी जीवन की जो भी कली है वो किस तरह से महकेगी, यानी कि आपकी जीवन में जो भी प्रॉब्लम परेशानी आ रही है वो किस तरह से खत्म होगा, जो भी सुख जो भी पैसा जो कि आपके अब तक करीब नहीं आ रहे थे वे अब किस तरह से करीब आने लगेंगे, किस तरह से सारे दुख दर्द खत्म होंगे, हर एक बात को विस्तार से बताने वाले हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव बातें, धन करियर राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल, स्वास्थ्य राशि पर, पारिवारिक जीवन के बारे में, और आखिर में कौन से बातों का ध्यान रखना है, हर एक बात को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिना गवाए तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। कामकाज के क्षेत्र में आपको लगातार तरक्की हासिल होगी, करियर में आगे बढ़ने के कई नए मार्ग खुल सकते हैं, अचानक धन लाभ मिलने की संभावना बन रही है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के ऊपर इसका बहुत ही शुभ प्रभाव रहेगा। आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नौकरी के क्षेत्र में बड़े अधिकारी आपका पूरा साथ देंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, आप कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। दोस्तों, कहीं से रोका हुआ पैसा जो कि आपको पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम दे रही है, सता रही है, वह रुका हुआ पैसा जो कि वापस मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव बातें कैसे रहेगी उसके बारे में। पिछले कुछ समय से प्रॉपर्टी संबंधित कुछ दिक्कत चल रही है तो उससे संबंधित कार्य संपन्न होने की संभावना बन रही है। काफी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से राहत मिलेगी तथा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होगी और उन्नति के नए आयाम भी प्राप्त होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके लिए धन और करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको अपने दैनिक जीवन में नई खुशखबरी मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार के दुखों का अंत भी होगा। पारिवारिक विवाद और लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिलेगी। किसी काम में किया गया प्रयास आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। आपका कारोबार तेजी से उन्नति करेगा। चारों ओर से आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आप नए कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाब होंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है। दोस्त भी मददगार और सहयोगी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से आपकी जीवन की कली महकने वाली है उसके बारे में। दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम जो भी परेशानियां आपके जीवन में थे वो अब धीरे धीरे खत्म होगी और आज के दिन आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारे धन लाभ जो कि बोल सकते हैं वो आपको मिलने वाले हैं। धन लाभ किसी भी क्षेत्र से आपको हो सकता है। आप व्यापार हो तो व्यापार से आपको धन लाभ हो सकता है, या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पे आपके कौशल से आपको कोई इनाम या फिर आपका प्रमोशन इससे भी आपको धन लाभ हो सकता है। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो वहां पर भी आपको पिछले दिनों के मुकाबले आपको ज्यादा रेट पर जो कि आपकी बिक्री हो जाएगी और वहां से भी अधिक जो कि लाभ आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप कोई एजेंट है, चाहे LIC एजेंट हो या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी के कोई एजेंट है, तो वहां से भी कमीशन आपको ज्यादा जनरेट होगा। तो किसी भी क्षेत्र से आपको प्रॉफिट आज के दिन कुछ ज्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। पिछले दिनों से
आज के दिन प्रॉफिट जो है कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। लव लाइफ को सुधारने का प्रयास जारी रहेगा। आपके मित्र भी आप दोनों के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप भी रोज की बहस से थक चुके होंगे और अब थोड़ा सुकून चाहेंगे। हालात के सामने आप हथियार डाल देंगे। प्रेमी से मिलने का प्लान तो बनेगा, लेकिन किन्हीं कारणों से आपको वह कैंसिल करना पड़ सकता है। इसके चलते प्रेमी की कड़वी बातों को झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मूड और ज्यादा खराब होगा और आप फोन कॉल्स भी उठाना बंद कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपको छोटी छोटी चोटों से सावधान रहकर रोजमर्रा के काम करने पड़ सकते हैं। हो सकता है चोटें आपको परेशान भी कर दे। आपको बेहद सतर्क रहकर अपना एकदम कदम रखना होगा। बिना आरामदायक जूतों के ऊबड़ खाबड़ या फिर पथरीले रास्ते पर ना चले। सीढ़ियों पर चलते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप अपने हर काम में सतर्क हैं तो हर मुश्किल या परेशानियों को टाल सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि कोई दर्द या जोड़ों के दर्द की परेशानी दिन भर बनी रहेगी। आप इस दर्द से दूर रह सकते हैं अगर आप संतुलित और ताजा भोजन खाएं और साथ ही व्यायाम भी करें। दोस्तों पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस दिन संतान पक्ष से आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। उनकी किसी उपलब्धि से पूरा परिवार गौरवान्वित हो सकता है। जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलने के असर हैं। यह दिन आपके घर परिवार में सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत कर रहा है, जिससे निश्चित तौर पर आपके पारिवारिक जीवन में हर्ष एवं खुशी का माहौल बना रहेगा। विवाहित जातकों को इस समय थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परिवार की मदद से, परिजनों की सपोर्ट से आप इन परेशानियों से निजात पा लेंगे। दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। सेहत के मामले में ये जो दिन है आपके लिए कुछ ठीक नहीं है। गले या नाक से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। बेहतर होगा आप छोटी सी भी लापरवाही ना करें। दफ्तर में काम की अधिकता बनी रहेगी और काफी व्यस्त रहेंगे। व्यापार से जुड़े जातकों को मिले जुले फल की प्राप्ति होगी। आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा भी रह जाएगा, जिसकी वजह से आप तनाव में रहेंगे। घर की शांति बनाए रखने के लिए आप बाहर की परेशानी अपने घर में ना लाए तो ही बेहतर होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आज का आपका कुंभ राशिफल रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।